नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक और करंट अफेयर का टॉपिक, जिसमें आज हम बात करने वाले दोस्तों 5 और 6 जुलाई 2023 का करंट अफेयर। दोस्तों एक साथ दोनों दिन का करंट अफेयर 5 जुलाई और 6 जुलाई का यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों 20 क्वेश्चन जो दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले हैं। और रेगुलर आप करंट अफेयर की क्लास के लिए हमसे जुड़े रहे हैं दोस्तों। रेगुलर हम यहाँ पे का आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस लेके आते रहते हैं। यदि चैनल पे नए हैं तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। विजन लेट्स क्रैक यूपीएससी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जहाँ से आपको यदि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे जाके आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है उसमें भी आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट्स के लिए। तो आज हम 5 जुलाई और 6 जुलाई 2023 का जो करंट अफेयर वो पढ़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। किसी तकनीकी कारण से दोस्तों 5 जुलाई का करंट अफेयर नहीं हो पाया था और 6 जुलाई का नहीं हो पाया था, इसीलिए हम आज 5 जुलाई और 6 जुलाई 2023 का करंट अफेयर एक साथ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और 20 क्वेश्चन दोस्तों आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले होने वाले। तो मोटिवेशन लाइन के साथ इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। समय को व्यर्थ न करो, तुम अगर सच में अपने लक्ष्य को पाने के लिए दिल से मेहनत करोगे तो दोस्तों समय भी कम पड़ने लगेगा मेहनत करने के लिए। दोस्तों इसी मोटिवेशन लाइन के साथ पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे AIIF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों यहाँ पे AIIF की बात कर लेते हैं तो ऑल इंडिया AIFF है दोस्तों। यहाँ पे AIFF की बात हो रही है, यहाँ पे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, दोस्तों ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार से यहाँ पे किसे सम्मानित किया गया है, तो बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे किसे सम्मानित किया गया पुरुष वर्ग में, यहाँ पे फुटबॉलर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया तो रमेश छेत्री, सौरव नारायण सिंह, लालियन ज्वाला और महेश राव। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी अर्थात लालियन जो ज्वाला है इसका राइट आंसर होने वाला है कि पुरुष वर्ग में इन्हें क्या दिया गया यहाँ पे फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। और फिर बात करते हैं महिला वर्ग की, तो यहाँ पे महिला वर्ग की जो मनीषा कल्याण है यहाँ पे उसको यहाँ पे क्या दिया गया फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड यहाँ पे प्रदान किया गया किसके द्वारा, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा यहाँ पे फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में इसे लालियन ज्वाला को दिया गया और साथ ही महिला वर्ग में मनीषा कल्याण को दिया गया। तो एग्जाम के दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है क्लास यहाँ पे, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। और रेगुलर यहाँ पे हम दो नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे शपथ यहाँ पे दूसरे उप मुख्यमंत्री के किसने शपथ ग्रहण किए, तो बात करते हैं तो सौरव उपाध्याय, अजीत पवार, कमलनाथ सिंह और आदित्य रंजन। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे बी अर्थात जो अजीत पवार है उसको यहाँ पे क्या बनाया गया महाराष्ट्र जो राज्य है उसके दूसरे दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है दोस्तों। यहाँ पे दूसरे उप मुख्यमंत्री की बात हो रही है, तो अजीत जो पवार है उसको यहाँ पे दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे शपथ ग्रहण प्राप्त की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो हाल ही में प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है। दोस्तों प्लास्टिक की थैलियां कौन सी, दोस्तों पतली जो प्लास्टिक की थैलियां उन पर हाल ही में प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो भारत, जर्मनी, चीन और अमेरिका। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है, जर्मनी इसका राइट आंसर होने वाला है कि जर्मनी के द्वारा यहाँ पे दोस्तों क्या किया गया हाल ही में जो पतली प्लास्टिक है उस पर क्या लगाया गया यहाँ पे बैन लगाया गया जर्मनी के द्वारा, यहाँ पतली प्लास्टिक पर क्या लगाया गया बैन लगाया गया। और यहाँ पे दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है यहाँ पे छपने वाला क्वेश्चन है कि जो प्लास्टिक की जो पतली थैलियां जो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण जो हो रहा है उसको यहाँ पे बचाना, पर्यावरण प्रदूषण को यहाँ पे बचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक की जो थैलियां होती है जो क्या होते हैं अगलनशील बोल सकते हैं या जल्दी से वो रिस्टोरेशन नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पे ये प्रदूषण को यहाँ पे बढ़ावा देती है, इसलिए इन प्लास्टिक को जो पतली प्लास्टिक की थैलियां उन पर यहाँ पे बैन जर्मनी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं, हाल ही में दिल्ली मेट्रो ने किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया, तो बात करते हैं आनंद विहार स्टेशन, सुल्तानपुर स्टेशन, हुड्डा
स्टेशन और राजीव चौक स्टेशन। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे हुडा सिटी जो मेट्रो स्टेशन है दोस्तों उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, यहाँ मिलेनियम सिटी सेंटर कर दिया गया है। क्या नाम कर दिया गया, मिलेनियम सिटी, किसके द्वारा किया गया, दिल्ली मेट्रो के द्वारा क्या किया गया, और कौन से मेट्रो स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पे, हुडा सिटी सेंटर जो मेट्रो स्टेशन है की बात हो रही है यहाँ पे, मिलेनियम सिटी सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, मिलेनियम सिटी सेंटर की बात हो रही है यहाँ पे, मिलेनियम सिटी सेंटर की बात हो रही है दोस्तों। अब मिलेनियम सिटी सेंटर की बात हो रही है जिसमें हुडा जो मेट्रो स्टेशन है उसका यहाँ पे नाम परिवर्तन कर दिया गया है, और किसके द्वारा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा ये किया गया। तो एग्जाम में दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार्क लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, हरित हाइड्रोजन जो सम्मेलन है दोस्तों उसका उद्घाटन कहाँ किया गया। तो बात करते हैं हैदराबाद, केरल, जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, नई दिल्ली में पहला। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कौन सा संस्करण था, ये पहला संस्करण था और जिसका यहाँ पे कौन सा हरित अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन जो सम्मेलन है उसका पहला जो यहाँ पे संस्करण होता है, इसका आयोजन कब होता है, 5 जुलाई को इसका आयोजन होता है। जो कौन सा था, पहला ही ये संस्करण था जो कहाँ पे आयोजित हुआ, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, या बोल सकते हैं नई दिल्ली में इसका क्या किया गया, उद्घाटन किया गया अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन का। दोस्तों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से साथ ही जनरल अवेयरनेस या साइंस से संबंधित क्वेश्चन में आपके आ सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन सम्मेलन नई दिल्ली में 5 जुलाई को और पहला संस्करण था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण हेतु 5600 करोड़ रुपए देने की यहाँ पे घोषणा की गई। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है दोस्तों, राजस्थान में दोस्तों नेशनल हाईवे दोस्तों है, नेशनल हाईवे है उसके यहाँ पे निर्माण के लिए 5600 करोड़ की बात हो रही है यहाँ पे, कि यहाँ पे देने की घोषणा की गई। राजस्थान में जो यहाँ पे निर्माण हो रहा है उसके यहाँ पे नेशनल हाईवे निर्माण के लिए 5600 करोड़ रुपए की घोषणा किसके लिए, नितिन गडकरी जी के द्वारा यहाँ पे की गई कि यहाँ पे निर्माण के लिए 5600 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने SEFF बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का यहाँ पे खिताब अपने नाम किया है। तो दोस्तों बात करते हैं कि SEFF की बात कर लेते हैं, तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SEFF की बात हो रही है दोस्तों, यहाँ पे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात हो रही है, और ये संस्करण कौन था 14वां संस्करण यहाँ पे था, और इसका आयोजन कहाँ पे होता है, बेंगलुरु में आयोजन होता है। बात कर लेते हैं खिताब अपने नाम किया है, या बोल सकते हैं विजेता कौन रहता है यहाँ पे, विजेता की बात करते हैं तो यहाँ पे दक्षिणी अफ्रीका, जर्मनी, भारत और कुवैत। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों इसका, भारत इसका राइट आंसर है, कि भारत यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे भारत यहाँ पे विजेता रहता है, और यहाँ पे कुवैत दोस्तों, कुवैत की बात करते हैं तो उप विजेता रहता है, और फाइनल भारत और कुवैत, फाइनल किसके मध्य, फाइनल मैच की बात हो रही थी, फाइनल मैच किसके मध्य, भारत और कुवैत के मध्य यहाँ पे फाइनल मैच आयोजित होता है, और भारत ने यहाँ पे दोस्तों बंगबंधु फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब अपने नाम किया है भारत ने, और उपविजेता रहता है यहाँ पे, और कुवैत जो दोस्तों यहाँ के उपविजेता रहता है। इसका आयोजन कहाँ पे होता है, बेंगलुरु में इसका आयोजन होता है, और ये संस्करण कौन सा था दोस्तों यहाँ पे, 14वां संस्करण था, और साउथ एशियन SEFF की बात कर लेते हैं तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन यहाँ पे इसके द्वारा ये चैंपियनशिप आयोजित की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो एग्जाम में दोस्तों ये छपने वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्क लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, तो 8 नंबर दोस्तों, हाल ही में महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात हो रही दोस्तों, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो बात करते हैं कि भोपाल, मुंबई, अहमदाबाद और रांची। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, भोपाल जो दोस्तों यहाँ पे भोपाल में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, और कौन सा है, महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी जो चैंपियनशिप है उसका भोपाल में आयोजन किया गया। संस्करण कौन सा था यहाँ पे, 6ठा संस्करण था यहाँ पे, और विजेता की बात कर लेते तो हरियाणा जो राज्य है यहाँ पे क्या रहता है, विजेता रहता है। साथ ही बेस्ट इसमें जो महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप बेस्ट बॉक्सर की बात कर लेते तो यहाँ जो प्रिया कुमारी है, प्रिया कुमारी को क्या बनाया गया दोस्तों यहाँ पे, बेस्ट बॉक्सर के रूप में चुना गया है। तो महिला मुक्केबाजी मतलब बॉक्सर की बात हो रही है यहाँ पे, चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, भोपाल में किया गया, बेस्ट बॉक्सर प्रिया कुमारी को चुना गया, और ये संस्करण या कह सकते हैं कि कौन सी ये प्रतियोगिता थी, तो 6ठे नंबर की प्रतियोगिता थी, और विजेता राज्य कौन रहता है यहाँ पे, हरियाणा यहाँ पे विजेता रहता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों ये खेल से संबंधित क्वेश्चन है, एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं कि महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, भोपाल में, विजेता राज्य कौन रहता है, हरियाणा यहाँ पे 6ठा संस्करण था, और साथ ही बेस्ट बॉक्सर प्रिया कुमारी को चुना गया। हाल ही में किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चीफ फाइनेंस ऑफिसर CFO को सी एफ
के पद पर यहाँ पे नियुक्त किया गया। तो बात करते हैं राजीव कुमार, रमेश एन सिंह, कामेश्वर राव कोदावंती और ऋषि कुमार गोयल। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर है, कामेश्वर राव जो कोदावंती है उसको यहाँ पे क्या चुना गया, यहाँ पे चीफ फाइनेंस ऑफिसर किसका, एसबीआई, एसबीआई जो बैंक है वहां पे सीएफओ की ने बना गया है। सीएफओ की बात कर लेते हैं तो कामेश्वर राव कोदावंती को यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस बैंक ने प्रोजेक्ट वेव पहल हेतु डिजिटल सेवाओं को प्रदान करने की सिफारिश की है। तो बात करते हैं इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका इंडियन बैंक के द्वारा यहाँ पे प्रोजेक्ट वेव का क्या किया गया, यहाँ पे प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, इंडियन बैंक के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पे उद्देश्य डिजिटल जो सेवाएं हैं उनको यहाँ पे प्रदान करना क्या है, जैसे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या डिजिटल यूपीआई के माध्यम से ये सेवाएं प्रदान करना। तो प्रोजेक्ट वेव इसके तहत यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ किया गया इंडियन बैंक के द्वारा। तो एग्जाम में दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रोजेक्ट वेव का संबंध किससे है और साथ ही किसके द्वारा ये प्रारंभ किया गया, तो इंडियन बैंक के द्वारा ये प्रारंभ किया गया और डिजिटल सेवाएं प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बात करते हैं हाल ही में किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। दोस्तों सैन्य मामले जो दोस्त है उनके विभाग के में जो अतिरिक्त जो सचिव है उसके पदभार के रूप में ग्रहण किया, किसकी बात करते हैं, समित कुमार, रंजीत सिंह, अतुल आनंद और मानवेंद्र सिंह। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, अतुल आनंद इसका राइट आंसर होने वाला है, जिन्हें यहाँ पे सैन्य मामलों के विभाग में दोस्तों अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो हाल ही में वर्गीकृत विनियमन और उन्नत प्रौद्योगिकियों पर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों वर्गीकरण विनियमन और उन्नत जो प्रौद्योगिकियां हैं उन पर यहाँ पे सम्मेलन का आयोजन किया गया है, कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, इसका आयोजन होने वाला है, यहाँ पे बात करते हैं नई दिल्ली जो दोस्तों है उसमें इसका आयोजन किया गया और इसका उद्देश्य यहाँ पे वर्गीकरण विनियमन और उन्नत जो प्रौद्योगिकी है उनको यहाँ पे एकजुट करना है, यहाँ पे उसके लिए यहाँ पे सम्मेलन आयोजित किया गया था, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो राइट आंसर है दोस्तों नई दिल्ली। तो एग्जाम में दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है, स्टार्क लगाइए कि वर्गीकरण विनियमन और उन्नत प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं तो 13 नंबर दोस्तों एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है कि एफएओ के नया महानिदेशक किने बनाया गया है। दोस्तों एफएओ की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे एफएओ के बारे में देखते हैं कि खाद्य और कृषि संगठन, दोस्तों खाद्य और कृषि संगठन की बात हो रही है यहाँ पे, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। इसका नया महानिदेशक किसे बनाया गया था, सरबजीत सिंह, आरती डोगरा, सौरभ त्रिपाठी और क्यू डोंगयू। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्यू डोंगयू जो दोस्तों है उसको यहाँ पे एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पे क्या बनाया गया, नया महानिदेशक बनाया गया, किन्हें, क्यू जो डोंगियो है यहाँ पे उन्हें बनाया गया। तो एग्जाम में दोस्तों छपने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एफएओ के महानिदेशक कौन बने हैं वर्तमान में। तो 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर, दोस्तों भारत का जो पहला है जो स्वदेश निर्मित है कौन सा है, स्वदेशी स्वरूप की बात हो रही है यहाँ पे, स्वदेशी जो रूप से निर्मित किया गया भारत का परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का यहाँ पे कॉमर्शियल ऑपरेशन दोस्तों यहाँ पे कहाँ शुरू किया गया, कॉमर्शियल ऑपरेशन दोस्तों कहाँ शुरू किया गया। तो बात करते हैं कि मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, कॉमर्शियल जो ऑपरेशन है कहाँ पे शुरू किया गया इसका, तो मध्य प्रदेश, केरल, गुजरात और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पे गुजरात इसका राइट आंसर होने वाला है कि गुजरात में दोस्तों परमाणु ऊर्जा जो रिएक्टर है उसका कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया गया गुजरात राज्य में। दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम छपने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो हाल ही में कौन सी भारतीय महिला क्रिकेटर जिसने कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग जो दोस्तों उसमें क्या है शामिल हुई, दोस्तों भारतीय महिला क्रिकेटर है जिसने कैरेबियाई दोस्तों महिला प्रीमियर जो लीग है उसमें यहाँ पे शामिल होती है। तो बात करते हैं प्रिय पुनिया, रश्मिका मंधाना, श्रेयंका पाटिल और कविता पुनिया। तो राइट आंसर क्या है, श्रेयंका जो दोस्तों पाटिल है यहाँ पे उन्हें क्या बनाया गया है दोस्तों, यहाँ पे उन्हें दोस्तों यहाँ पे कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग में क्या होती है शामिल होती है, जो भारतीय महिला क्रिकेटर है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके से पूछा जा सकता है कि किन्हें यहाँ पे शामिल किया गया या किन्होंने उनमें भाग लिया, कैरेबियन महिला प्रीमियर लीग में भाग लिया या इन्हें शामिल किया गया। तो बात करते हैं श्रेयंका पाटिल यहाँ पे इनका नाम आ जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में विश्व के सबसे हाई ग्रेड फास्फेट के नवीनतम भंडारों की खोज कहाँ की गई। तो बात करते हैं भारत
दक्षिणी अफ्रीका, मैक्सिको और नॉर्वे। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे डी अर्थात नॉर्वे इसका राइट आंसर होने वाला है, जहाँ पे हाई ग्रेड जो फास्फेट है उसके नवीनतम भंडारों की खोज की गई है। तो यहाँ पे यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हो नवीनतम अपडेट्स के लिए। और साथ ही चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना जिससे कि दोस्तों आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके और आपकी एक भी क्लास यहाँ पे मिस ना हो। बात करते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहता है। तो बात करते हैं कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे दोस्तों, जो तमिलनाडु राज्य है यहाँ पे तमिलनाडु राज्य क्या रहता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो निर्यात है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यात की बात हो रही है यहाँ पे, जिसमें क्या रहता है शीर्ष स्थान पर रहता है। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम महत्वपूर्ण है कि नवीनतम अपडेट्स के आधार पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो निर्यात है उसमें शीर्ष स्थान पर तमिलनाडु रहता है। या आपको बेंगलुरु नहीं करना है दोस्तों, बेंगलुरु जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है वो नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे हाल ही रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में तमिलनाडु यहाँ पे शीर्ष स्थान पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते तो हाल ही में किसके द्वारा यहाँ पे बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर क्षेत्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो राजनाथ सिंह किसने किया, बात करते हैं राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और स्मृति ईरानी। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, स्मृति जो ईरानी है उनके द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, बाल संरक्षण, सुरक्षा और बाल कल्याण पर एक क्षेत्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया स्मृति ईरानी जी के द्वारा दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो 19वां क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में जारी WTO की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात के लिए दोस्तों यहाँ पे सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है दोस्तों किस देश ने यहाँ पे। WTO की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा ऐसा देश है जिसने विश्व स्तर पर जो वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात दोस्तों यहाँ पे में सर्वाधिक वृद्धि हासिल की है। तो भारत ऑप्शन देते हैं, तो भारत, चीन, अमेरिका और जापान। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, चीन इसका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों, कि शीर्ष स्थान पर शीर्ष स्थान की बात कर लेते हैं तो शीर्ष में कौन रहता है यहाँ पे, चीन रहता है। और दूसरे नंबर पर दोस्तों कौन रहता है यहाँ पे, भारत। दूसरे नंबर पर यहाँ पे भारत का स्थान आता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम छपने वाला क्वेश्चन है कि WTO दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे, रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में सर्वाधिक वृद्धि किसने हासिल की है। तो चीन यहाँ पे शीर्ष स्थान राइट आंसर हो जाता है, भारत यहाँ पे द्वितीय स्थान प्राप्त करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते तो हाल ही में नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया दोस्तों। पे नेशनल स्विमिंग की बात हो रही है दोस्तों यहाँ पे, स्विमिंग जो चैंपियनशिप होती है यहाँ पे किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड यहाँ पे अपने नाम किया है। तो बात करते हैं महेश दास, माना पटेल, सौरव घोष और मनजीत सिंह। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे, माना पटेल जो दोस्तों आया है उसने यहाँ पे बैक स्ट्रोक स्पर्धा में किसने, माना पटेल ने एक नया क्या बनाया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया दोस्तों। और इनका संबंध दोस्तों बात करते हैं कि स्विमिंग से इनका क्या आता है, स्विमिंग से इनका संबंध आता है, या बोल सकते हैं तैराकी से इनका क्या आता है, तैराकी से इनका संबंध आता है दोस्तों। तैराकी से संबंधित खिलाड़ी माना पटेल जिन्होंने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये 20 क्वेश्चन थे जो आपकी तैयारी को बेहतरीन करने वाले थे, जिसमें हमने 5 और 6 जुलाई दोस्तों उसका करंट अफेयर यहाँ पे कवर किया है। तो आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। रेगुलर दोस्तों मैं यहाँ पे करंट अफेयर की क्लास आपके लिए लेके आता हूँ। यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दोस्तों दबा लेना जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। नई वीडियो में नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ दोस्तों, यदि आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से आपको उस क्लास की पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या दोस्तों चैनल के जो वीडियो है उसका कमेंट बॉक्स है वहाँ पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। साथ ही रेगुलर करंट अफेयर की क्लास के लिए हमसे अपडेट रहें और हम आपको निरंतर नई जो क्लासेज हैं यहाँ पे अवेलेबल करवाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही करंट अफेयर से संबंधित। तो नए करंट अफेयर के टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।